हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जब भी हमारे पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का डिटेल ऐड करते तब कुछ एरर आता है, तो उसमें लिखा रहता है यूटीआई एरर 100, तो वो उसका सलूशन क्या है और उसको हम कैसे दूर करेंगे, यही हम सब इस वीडियो में देखने वाले। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान। बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस टाइप का जो एरर है वो क्यों आता है। देखो, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, अगर आपने यहाँ पे जिसका भी आधार कार्ड अपलोड किया है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, यहाँ पे कुछ भी अगर मिसमैच होगा तो ये इस टाइप का मैसेज आएगा। तो अगर आपको ये एरर हटाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो भी फैमिली मेम्बर है उसको जो आधार है उसमें आपको देख लेना है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आधार नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, वो आपने सही से भरा है कि नहीं। वो भर के होने के बाद आपको ये वापस ट्राई करना है, तो वापस ट्राई करने के बाद ये जो एरर है वो 101% हट जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का एरर है। तो अगर देखो आपके फैमिली में और कोई मेम्बर है जिनका आधार के साथ पूरा डेटा सही है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखो ये कौन कौन है हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हस्बैंड हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, डिपेंडेंट फादर हो गया, मदर हो गया, ये पूरी लिस्ट रहती है। इसमें से आप किसका भी यहाँ पे डिटेल नॉमिनी में ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो देखो मेरे कंडीशन में अभी फैमिली का किसी का भी मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। नो करने के बाद भी आप किसी का भी, आपने आपके जो फैमिली मेम्बर में कोई भी रहेगा, जिसके आपका मामा हो गया या कोई और क्लोज रिलेटिव हो गया, उसका भी आप डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जो मेरा क्लोज रिलेशन वाला है उनका मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो देखो आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे जाना है, और अगर आपकी फैमिली का किसी का भी नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, और जिसका भी आप आधार अपडेट करोगे उसका आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप और एड्रेस, ये आपको सब ये छोड़ के बाकी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। तो आपको ये भर देना है, और आपको एड्रेस भी आधार के ऊपर एज इट इज़ भर देना है। यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा है, आप कितने परसेंट का करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 100% भी कर सकते हो, और ये ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी आपको जाके आपको फोटो अपलोड करना है, तो मेरे पास मेरा फोटो है तो मैं अभी फोटो अपलोड करता हूँ। देखो फोटो, देखो फोटो अपलोड हो गया। फोटो अपलोड होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के सेव एज डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो आप प्रोसेस करोगे तो ये देखो प्रोसेस हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो नॉमिनेशन डिटेल है वो बहुत आसानी से अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप किसी का भी आपके फैमिली मेम्बर का जो पीएफ है उसमें नॉमिनी करके नाम ऐड कर सकते हो, या फिर किसी अदर आपके जो क्लोज रिलेटिव का उनका भी अगर आपको लगता है ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको नॉमिनी चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप आराम से सेकंड नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कुछ मिनट के अंदर आपका जो प्रॉब्लम, मतलब जो एरर आ रहा था UDI 100 का, वो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।